नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज शाम राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर है कि राजस्थान में स्कूल सिलेबस में होगा बदलाव। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में सिलेबस चेंज करने की तैयारी पर कहा कि अकबर को महान बताने जैसी बातों को सिलेबस से हटाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अगले साल से वैलेंटाइन डे की जगह माता पिता पूजन दिवस मनाने पर भी विचार किया जाएगा। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव 27 फरवरी को। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया है। 27 फरवरी को वोटिंग होगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और किरोड़ीलाल मीणा की सीटों पर ये चुनाव होंगे। तीनों सीटों पर 3 अप्रैल को कार्यकाल पूरा हो रहा है। किरोड़ीलाल मीणा वर्तमान में राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने विधायक बनने के बाद राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने बंद किए अफसरों के समोसे बर्गर सैंडविच। राजस्थान में अब सरकारी मीटिंग में अफसर चना मूंगफली खाते हुए दिखाई देंगे। कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी कर सचिवालय में IAS-RAS अफसरों की मीटिंग में परोसे जाने वाले मिठाई, चिप्स, समोसे, बर्गर सैंडविच आदि पर रोक लगा दी है। नए आदेशों के अनुसार मीटिंग में अब केवल भुने हुए चने, भुनी हुई मूंगफली और कभी कभी मल्टीग्रेन बिस्किट परोसे जाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने खुद के लिए आदेश जारी किए थे कि वे खर्च घटाने के लिए विशेष विमान से यात्रा नहीं करेंगे। आधे घंटे से ज्यादा अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकेंगे। सरकारी कार्मिक सरकारी कार्यालय का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। इस अवधि में कोई भी अधिकारी एवं कार्मिक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकेगा। केवल 12:30 बजे से 2 बजे तक 30 मिनट भोजनावकाश में ही स्थान छोड़ सकेंगे। इस समय के अलावा कोई कार्मिक कुर्सी नहीं छोड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों पर अब सख्ती होगी। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम होंगे कम। केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिए संकेत। राजस्थान की जनता के लिए एक बड़ी खबर। बस कुछ दिन का इंतजार कीजिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने वाली हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आगे बताया कि बड़े वाहन और ट्रांसपोर्टर पड़ोसी राज्यों गुजरात, पंजाब व हरियाणा से डीजल भरवा कर आ जाते हैं। इस वजह से प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्र के पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी बात की है। आने वाले दिनों में खुशखबरी भी मिलेगी। जाट समाज का रूपवास में दूसरा महापड़ाव शुरू। भरतपुर जिले रूपवास तहसील में जाट समाज ने अपना दूसरा महापड़ाव डाल दिया है। उच्चैन तहसील के जयचौली गांव में चल रहे महापड़ाव को आज 13वां दिन है। केंद्र ने आरक्षण की फाइल पर काम करने के लिए कमेटी तैयार कर दी है। 2 या 3 फरवरी को केंद्र में कमेटी की वार्ता होनी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच हुआ MOU। 25 लाख किसानों के लिए गुड न्यूज। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को लेकर चल रही खींचतान अब खत्म हो गई है। परियोजना को मूर्त रूप देने को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त DPR बनाने को लेकर रविवार को नई दिल्ली में जल शक्ति भवन में समझौता पत्र MOU पर हस्ताक्षर हो गए। ERCP के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, 12 कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक में पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त राज्य के 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ जयपुर में छात्राओं ने थाना घेरा। जयपुर में सोमवार सुबह बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल की छात्राओं ने सुभाष चौक थाने को घेर लिया। थाने के सामने जमकर नारेबाजी की और सड़क को जाम कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि बाबा बाल मुकुंद आचार्य उनके स्कूल आए थे। इस दौरान उन्होंने हिजाब को लेकर बोला, नारे भी लगाए गए। घटना की जानकारी मिलने पर SEP सुभाष चौक मौके पर पहुंचे, छात्राओं से बात की। ट्रैफिक कांस्टेबल को कार से 100 मीटर तक घसीटा। जोधपुर में सिग्नल तोड़कर जा रही कार को रुकवाना ट्रैफिक कांस्टेबल की जान पर भारी पड़ गया। चालान काट रहे कांस्टेबल को ड्राइवर ने पहले कार के बोनट से पीछे करने का प्रयास किया। जब कांस्टेबल समझाने आया तो ड्राइवर उसे कार के गेट पर लटकाकर 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। 6 जिलों के सरकारी स्कूलों में अब ऐप से होगी पढ़ाई। उदयपुर सहित प्रदेश के 6 जिलों के करीब 750 राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में ऐप निशुल्क दिया जाएगा। मुंबई के इंजीनियरों ने पूरा सॉफ्टवेयर राजस्थान के सिलेबस के अनुसार तैयार किया है, जिसके जरिए कक्षा 6 से 12 तक विद्यार्थी मोबाइल और कंप्यूटर पर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी आसानी से पढ़ समझ सकेंगे। उदयपुर में होगी सनी बॉबी देओल की भांजी की शादी। बॉलीवुड के धर्मेंद्र की दोहिती और सनी बॉबी देओल की भांजी निकिता चौधरी की शादी उदयपुर में होगी। निकिता चौधरी सनी देओल की बहन अजीता की बेटी है।
7 जिलों के 34 पुलिस कर्मियों का सम्मान अजमेर के पुलिस लाइन में सोमवार को साल 2020-21 में उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया गया। रेंज आईजी ने 7 जिलों के 34 पुलिस कर्मियों का सम्मान किया। ई रिक्शा चालक का सत्यापन जरूरी, राजधानी में ई रिक्शा की संख्या बढ़ती जा रही है। बाधित यातायात को नियंत्रित करने के लिए इनका सत्यापन बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यातायात पुलिस ने सत्यापन शुरू किया, अब वहां सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। जयपुर में इस तरह का सत्यापन शुरू किया जाए और ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक के आदेश को धरातल पर लागू किया जाए तो परकोटा क्षेत्र को जाम से निजात मिल जाएगी। बदमाशों ने रिटायर्ड एएसआई को ठगा। जयपुर में एक रिटायर्ड एएसआई ने ठगी का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित एएसआई से बेटे को विदेश भेजने के नाम पर 5 लाख रुपए ठगे गए। आरोप है कि रुपए लेने के बाद भी बच्चा विदेश नहीं जा पाया, वहीं बदमाश पैसा भी वापस नहीं दे रहे। राजस्थान में लंबे समय बाद देर रात हल्की बारिश हुई। चूरू के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। राज्य के मौसम में आए इस बदलाव से न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक नया वेदर सिस्टम 31 जनवरी से उत्तर भारत में एक्टिव होगा, जिसके असर से राज्य में बारिश हो सकती है। इस सिस्टम का असर उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अलवर एरिया में देखने को मिल सकता है। किरोड़ी ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मीणा ने कहा कि कोटा की डाउन स्ट्रीट से लेकर धौलपुर तक चंबल का पानी बेकार ही बहकर समुद्र में चला जाता था। सालों से ऐसा होता आ रहा है। इस पानी का फायदा पूर्वी राजस्थान को मिले। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।